हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन जमरुत पटेल। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है डाइट के क्या क्या परहेज किडनी पेशेंट के लिए जरूरी होते हैं। किडनी एक बहुत ही छोटा ऑर्गेन है बट बहुत ही इंटेलिजेंट ऑर्गेन है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है वेस्ट को बहुत शरीर से बाहर करना, और ये जो वेस्ट हम जो प्रोटीन खाने में से खाते हैं उससे जनरेट होता है, जो यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। उसके अलावा वो हमारे बॉडी का वॉल्यूम और जो मिनरल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट है वो मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है और हमारा खून भी बनाने में हमारे लिए एक हार्मोन बनाता है। इस किडनी खराब या तकलीफ में आने के बहुत से कारण हैं। मुख्य कारण जो हम देखते हैं वो है बीपी और डायबिटीज, और भी बहुत से रीजन हैं जिसकी वजह से किडनी को इफेक्ट होता है। और इसके सिम्टम्स जो हैं, इनिशियल फेज में लोगों को सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स हम देखते हैं वो है स्वेलिंग यानी शरीर में पानी का जमा होना, बीपी का बढ़ना, कमजोरी आना, हड्डियों में दर्द होना। जो हम यूरिन पास करते हैं या तो हम ज्यादा यूरिन पास करने लगते हैं या कम यूरिन पास होता है, और वो यूरिन कभी कभी फ्रॉदी दिखता है जब प्रोटीन उसमें से लीक होता है या उसमें ब्लड भी दिखता है। ब्लड की काफी जांच है जैसे BUN, क्रिएटिनिन, बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे डॉक्टर हमसे करवाते हैं जब किसी को मालूम पड़ता है कि किडनी में तकलीफ है, या जो इमेजिंग यानी एक्सरे होते हैं, सोनोग्राफी होती है, डॉपलर होता है, सीटी स्कैन होता है, MRI होता है। काफी टेस्ट हैं जो डॉक्टर कहते हैं मरीज को करने के लिए जब किडनी की तकलीफ होती है। नॉर्मली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनकी रिपोर्ट्स जब ऐसे देखते हैं तो डेफिनेटली, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली ये यहाँ पर आपको फास्फोरस नहीं दिख रहा बट यहाँ पर फास्फोरस भी बढ़ा हुआ है। जब ऐसी रिपोर्ट मरीज की होती है तो उसको डाइट में मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। बट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डाइट में क्या क्या परहेज करने हैं, पहले एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जब कोई आपसे कहता है कि CKD डाइट फॉलो करो, CKD कोई डाइट नहीं होती है। पेशेंट को जिस तरीके की उसकी ब्लड रिपोर्ट आती है उस हिसाब से हम परहेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडियन लोगों की बात करें तो नॉर्मल परहेज जो किडनी पेशेंट को दिया जाता है वो प्रोटीन का होता है, बट हमारे किडनी के मरीजों को, हर मरीज को प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन लगने वाला है ऐसा नहीं है, तो हमें उनका बेसलाइन इंटेक चेक करना चाहिए और आपका इंटेक जानने के बाद ही हम परहेज आपको दे सकते हैं। जो रिपोर्ट मैंने अभी आपको दिखाई उसके हिसाब से हमें तीन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को मॉडिफाई करना है पेशेंट के डाइट में। एक है प्रोटीन, एक है पोटेशियम और तीसरा है फॉस्फोरस। तो आज मैं आपको इन न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल में क्यों करना है और कैसे करना है वो बता रही हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट। यदि आप यहाँ देखोगे, जब हम अच्छी हेल्थ में रहते हैं हम प्रोटीन खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को इसकी जरूरत है। प्रोटीन से हमको अमीनो एसिड्स मिलता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का और हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता है, और जो वेस्ट जनरेट होते हैं वो किडनी के द्वारा फ्लश हो जाते हैं। तो ये जब हमारी नॉर्मल हेल्थ होती है तब होता है। जब हमको किडनी का प्रॉब्लम होता है तभी भी हम प्रोटीन खाते हैं, तभी भी जो अमीनो एसिड शरीर को चाहिए वो बिल्डिंग ब्लॉक के लिए यूज करता है। लेकिन यहाँ पर तकलीफ कहाँ आती है, कि जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी फ्लश नहीं कर पाती, और इसीलिए कहा जाता है कि जब किडनी का प्रॉब्लम हो तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम खाइए, बंद मत कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्योंकि आपका प्रोटीन हम कम कर रहे हैं तो क्यों कम कर रहे हैं, ताकि टॉक्सिन्स कम आए, लेकिन कितना कम करना है वो महत्व का होता है। क्योंकि अगर हमने पूरा प्रोटीन बंद कर दिया तो जो इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के लिए चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा और हमारा न्यूट्रिशन लॉस होगा, मतलब मसल वेस्टिंग होगा, तो वो हमको मेल न्यूट्रिशन क्रिएट करेगा। तो प्रोटीन की इंटेक इतनी रखनी है कि मेल न्यूट्रिशन ना हो, बट इसका भी ध्यान रखना है कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कंट्रोल में जनरेट हो, जितना हमारा किडनी फंक्शन है उसके हिसाब से प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन किया जाए। तो अब प्रोटीन के मुख्य फूड क्या है, तो जैसे आप इस स्लाइड पे देख रहे हो, नॉन वेजिटेरियन फूड इज अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हमको देता है। दाल्स और पल्सेस, नट्स और ऑयल सीड्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं वो हमारे लिए प्रोटीन देते हैं, और जो डेयरी का प्रोडक्ट है, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, पनीर हुआ, खोआ हुआ, चीज हुआ, दही हुआ, ये हमको अच्छी मात्रा में प्रोटीन देता है। तो सब प्रोटीन बंद नहीं करना है,
आपको एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट को मिलना है जो आपको बताएंगे कि आपको कितना प्रोटीन कम करना है खाने में से, और अकॉर्डिंगली आपको खाने का प्रोटीन उतना रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे कि कॉमन रिकमेंडेशन जो हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि दाल हुई, तो बहुत पतली दाल मत लीजिए, थोड़ी घट दाल लीजिए, लेकिन क्वांटिटी कितनी लेनी है डाइटिशियन आपको बताएंगे। नॉनवेज का छोटा पोर्शन लेना है, जैसे अभी आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हो, ये ड्रम स्टिक का इमेज है जो नॉनवेज खाते हैं, अगर आप ऐसा एक छोटा सा पीस ले रहे हो तो इसमें एडिबल पोर्शन मतलब जो मांस हमको मिलता है, नॉनवेज का जो पोर्शन हमको मिलता है वो सिर्फ 25 से 30 ग्राम होता है, तो 5 से 6 ग्राम प्रोटीन वो हमको देता है। तो हम एक कटोरी दाल खाएं या ये एक लेग पीस खाएं, प्रोटीन की मात्रा उतनी ही मिलेगी, बायोलॉजिकल वैल्यू का डिफरेंस रहेगा। यदि आपको और भी अगर परहेज अच्छे से फॉलो करना है तो हमेशा याद रखिए कि जो हम कटोरियां घर में यूज करते हैं वो अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास में लेके जाइए, क्योंकि मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, दाल, नॉनवेज कितनी कटोरी में आपको कितनी मात्रा में लेना है वो आपको समझा सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये 200 ग्राम की कटोरी है, 150 ग्राम की कटोरी है, 100 ग्राम की है, 75 ग्राम की है, तो आपको कौन सी कटोरी यूज करना है वो आपको डायटिशियन बता पाएंगी, और अकॉर्डिंगली आप आपका प्रोटीन का परहेज फॉलो कर पाएंगे। दूसरी चीज, जब हम प्रोटीन कम करते हैं हमको एडिक्वेट कैलोरी की जरूरत होती है, ये कैलोरी फिर हमको मिलेगी कहाँ से? तो जो बाकी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हुए, यदि आप डायबिटिक नहीं है तो जैगरी हुई, हनी हुई, शुगर हुई, ये यूज करेंगे। आपको जो आपके हेल्थ के हिसाब से तेल या घी यूज करना है वो यूज करोगे तो उससे आपको कैलोरी आएगी। प्रोटीन्स आपको नहीं मिले बट सिर्फ कैलोरी मिले वो स्टार्चेस से होते हैं, जैसे आलू हुआ, रतालू हुआ, सुरन हुआ, अरारूट हुआ, साबुदाना हुआ, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको कहा जाता है कि आपका प्रोटीन बहुत ज्यादा, वेरी लो प्रोटीन डाइट पे आपको जाना है, तो चावल का उपयोग आप कर सकते हो गेहूं के जगह पे, तो ये भी आपको कम प्रोटीन देता है बट एडिक्वेट कैलोरी देगा। तो प्रोटीन डेंस फूड क्या क्या है? तो चीज, पनीर, कॉटन चीज यानी पनीर, जो हम आइसक्रीम खाते हैं, कस्टर्ड, पुडिंग, मिल्क शेक, ये क्यों हाई प्रोटीन है? क्योंकि इसमें दूध जाता है। योगर्ट मतलब दही, नट्स मतलब अपने हम जो बादाम, पिस्ता, अखरोट ये कहते हैं वो हुआ, क्रीम के जो सूप्स होते हैं क्योंकि इसमें दूध की मात्रा जाती है क्रीम सूप सूप बनाने को, अंडा हुआ, और हाई प्रोटीन मिल्क पाउडर, बहुत लोग क्या करते हैं स्किम मिल्क पाउडर को यूज करते हैं, तो ये हाई प्रोटीन के फूड्स हैं। यदि आपके खाने में आपको आप ये फूड्स यूज कर रहे हैं तो आप अपने डाइटिशियन को पूछ लीजिए कि आप इन फूड्स को कितना यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सब फूड्स आप बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन कितना पोर्शन लेना है वो आपके रिपोर्ट्स देख के आपके डाइटिशियन आपको बताएंगे। दूसरी, मैंने आपके लिए एक रेसिपी यहाँ लगाई है कि जब हमारे को सिर्फ कैलोरी बढ़ाना है, प्रोटीन नहीं बढ़ाना है, तो हम नॉर्मली जो घर में रोटी बनाते हैं वो गेहूं की बनाते हैं, तो अगर आपको लो प्रोटीन डाइट कहा जाता है तो गेहूं के साथ में अरारूट यूज करें या थोड़ा बॉयल आलू डालेंगे तो रोटी अच्छी बनेगी, आपकी सॉफ्ट बनेगी। अगर आप वही लो प्रोटीन डाइट पे हैं तो गेहूं की जगह पे चावल का इस्तेमाल कीजिए, अरारूट और पोटेटो डाल के आप वैसे ही रोटी बना सकते हो, खाखरा कर सकते हो, भाकरी कर सकते हो, थेपला बना सकते हो। तो ये एक रेसिपी है जिसको आप यूज कर सकते हो। यदि आपको आपका ऑयल और घी का कोटा इतना है कि आप अपने ये रोटी, थेपला, जो भी आप बना रहे हैं उस पे थोड़ा ऑयल या घी लगा सकते हैं, हाफ टी स्पून ऑयल या घी, तो आप वो भी ऊपर से लगा के खा सकते हैं, वो भी आपकी कैलोरी बढ़ाएगी बिना प्रोटीन बढ़ाए। तो ये आपके लिए प्रोटीन का परहेज था। दूसरा जो आपने हमारे रिपोर्ट में देखा था वो है पोटेशियम, जिसको हम हाइपोकलीमिया कहते हैं, या बहुत डॉक्टर बोलते हैं आपका ब्लड का पोटेशियम बढ़ गया है, तो इसको कंट्रोल में कैसे करना है? आप एक लो पोटेशियम का फ्रूट खा सकते हैं अगर आपका पोटेशियम ज्यादा है, जिसके मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी आगे। दूसरी चीज, जो आपको हाई पोटेशियम का फूड है, जैसे नारियल, नारियल पानी, सूप, फ्रूट जूस, ये नहीं लेना है। जो भी दाल, पल्सेस, वेजिटेबल आप बनाते हैं उसको आप लीच कर सकते हैं। लीचिंग का मतलब क्या है? आपकी जो भी भाजी है उसको जेनरस अमाउंट ऑफ वाटर पे रख के उबालिए, उसका पानी फेंक दीजिए, ओके? तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। वो पानी फेंक के यदि आपकी दाल है तो आप उसके अंदर दूसरा फ्रेश पानी डाल के बना सकते हैं, सब्जी है तो फिर आप उसको सब्जी को अपनी काट के धो के साफ करके उबालिए, पानी फेंक दीजिए, फिर जो मसाला रख के आपको सब्जी पकानी है वैसे पका सकते हैं। चाय या कॉफी जो आप लेते हैं, 1 से 2 कप माइल्ड ले सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लेना है। आप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
बाकी मिलेट्स जो ज्वार बाजरा है उसको हम अवॉइड करते हैं जब पोटेशियम ज्यादा होता है, बट उसको चालन से छान के यूज कीजिए, क्योंकि जो पोटेशियम का जो भाग है वो ब्रैन में होता है, तो ब्रैन लेयर अगर आपने कम कर दिया तो पोटेशियम कंटेंट आपके आटे का कम हो जाएगा। तो ये सब तरीके आपका अगर पोटेशियम ज्यादा है तो आप फॉलो कीजिए, और आपका अगर पोटेशियम 6 से अंदर है तो एक लो पोटेशियम का फ्रूट आप यूज कर सकते हैं। ये लो पोटेशियम के फ्रूट है, ये है एप्पल, पेरू, पाइनएप्पल, पेयर, पपाया। ओके, तो ये फ्रूट में से आप कोई भी 100 ग्राम फ्रूट दिन का एक बार आप यूज कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि 2 से 3 प्रकार का फ्रूट हम मिक्स करके खाएं, तो जैसे आपने एक पीस एप्पल, एक पीस पेरू, एक पीस पेयर ले लिया, छोटा सा पीस पपाया का या पाइनएप्पल का डाल लिया, लेकिन टोटल क्वांटिटी 100 ग्राम है, तो आप मिक्स करके भी ये लो पोटेशियम का फ्रूट 100 ग्राम यूज कर सकते हैं। हाई पोटेशियम, जैसे मैंने आपको बताया ये हाई पोटेशियम है, तो ये फ्रूट्स यूज नहीं करना है, फ्रूट जूस नहीं लेना है, लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको लीचिंग सिखाया वैसे करके दाल्स और पल्सेस भी वो यूज कर सकते हैं। सिर्फ चॉकलेट या ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आपको, आपका पोटेशियम कितना है उस हिसाब से आपके डाइटिशियन को पूछ के यूज करना है। तीसरा जो महत्व का परहेज होता है वो है फॉस्फोरस का। अभी फॉस्फोरस का भी परहेज कब आता है, जब हमारा किडनी फंक्शन बहुत लो हो जाता है। और एक चीज वापस इसमें याद रखिए कि फॉस्फोरस ज्यादा बहुत लंबे तबके तक हाई रहेगा तो हमारे बोन्स को इफेक्ट करता है, इसके लिए हाइपोफॉस्फोटेमिया अच्छा नहीं है, हमको हमारे खाने में ध्यान देना चाहिए। अब क्या फूड है जिससे फॉस्फोरस बढ़ता है, तो फ्रेंड्स जो फूड मैंने आपको प्रोटीन और पोटेशियम के लिए दिखाए हैं वही फूड है जिससे फॉस्फोरस का भी प्रमाण हमारे खाने में बढ़ता है, लेकिन इसके लिए हम प्रोटीन खाना बंद कर देंगे ऐसा नहीं है। आपके न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके आप कितना क्वांटिटी ये फूड्स खा सकते हैं उसके बारे में पूछ लीजिए। एक सिंपल तरीका बताती हूँ, जैसे यहाँ पर आपको अंडा दिख रहा है, अगर आप इसका पीला भाग निकाल दें और सिर्फ व्हाइट यूज करें तो आपका फॉस्फोरस नहीं बढ़ता। तो ऐसे ही टिप्स अपने डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से आप ले लीजिए, ताकि आप आपका खाने में बराबर संतुलन बना सके और आप सब खाना इंजॉय कर सके अपने परहेज के साथ। ओके, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको याद रखनी है, क्योंकि आज हम बहुत सारे फूड ऐसे यूज करते हैं जिसपे न्यूट्रिशन लेबल आता है, हमको न्यूट्रिशन लेबल पढ़ने को आना चाहिए। जैसे कि यहाँ का आप ये लेबल देख रहे हो, इसमें न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा हुआ है कि कितनी कैलोरी वो आपको दे रहा है, ये कैलोरी कहाँ कहाँ से आ रही है, फैट से कितनी आ रही है, प्रोटीन से कितनी आ रही है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी आ रही है, इसमें सोडियम, इसमें आप देखेंगे सॉल्ट की जगह सोडियम यूज किया गया है, तो इसमें सोडियम का प्रमाण कितना है। इस लेबल में आप देखेंगे तो इसमें फॉस्फोरस भी बताया है, आपको इसमें क्या क्या डाला गया है ये बताया है। तो ये न्यूट्रिशनल लेबल हमको पढ़ना आना चाहिए। ओके, अगर हम हमारा लेबल पढ़ के हमारा खाने पीने पे ध्यान रखेंगे तो हम हिडन सोर्सेज जो बोलते हैं, जहां से कभी प्रोटीन आ गया, कभी फॉस्फोरस आ गया, कभी पोटेशियम आ गया, सॉल्ट आ गया, तो वो हम अपने आप को बचा सकेंगे, राइट फूड हम अपने लिए पिक कर सकेंगे अगर हम हमारा लेबल प्रॉपरली पढ़ने लगे। ओके, अभी जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक स्टैंडर्ड लो प्रोटीन डाइट प्लान। ये आप प्लान देखेंगे तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि सुबह में 1 कप चाय, पोहा और उपमा के साथ, मिड मॉर्निंग में आधा लो पोटेशियम का फ्रूट दिया है, यहाँ पर लंच पे 3 रोटी है जिसमें गेहूं का आटा और अरारूट का आटा है, साथ में चावल है, सब्जी है, दाल है, छाछ है और सैलेड है, फिर इवनिंग में आपको चाय दी गई है, फिर वापस आधा फ्रूट दिया है, क्योंकि हम 100 ग्राम फ्रूट यूज कर सकते हैं एक दिन में, तो हमने 2 बार आधा आधा 50 50 ग्राम यूज किया है। डिनर हमारा सेम एज लंच है, और यहाँ पर हमने ऑयल और घी 6 टीस्पून यूज किया है। ये प्लान अगर किसी का वजन 60 किलो है तो ये आपको 2000 कैलोरी और 37.8 ग्राम प्रोटीन देता है, जो कि एग्जैक्टली लो प्रोटीन डाइट है। तो अगर हम ऐसे अपना खाना पीना रखेंगे तो हमारा परहेज भी फॉलो होगा। ओके, और हमें जो कैलोरी चाहिए जिससे हमारा मेल न्यूट्रिशन ना आए वो हमारे लिए रहेगा। तो जस्ट टू समराइज फ्रेंड्स, जो भी परहेज हमको लगता है हमारे पेशेंट्स के लिए इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि सब परहेज सबको लागू होते हैं। रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितना परहेज आपको फॉलो करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना मेरे को आपके साथ में डिस्कस करना था आज।